तो अपोलो मेडिक्स में 2 महीने पहले हमने एक प्राइमरी इम्यून डेफिशिएंसी का ट्रांसप्लांट स्टार्ट किया। ये यूपी में पहला प्राइमरी इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर का ट्रांसप्लांट है। 14 साल का ये बच्चा था जिसको एपीडीएस सिंड्रोम, जो एक तरह का प्राइमरी इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, इससे ग्रसित था। 7 साल की उम्र पर इसकी डायग्नोसिस हुई थी और इसको मल्टीपल इन्फेक्शंस, बार बार हॉस्पिटल में एडमिशंस, 6 महीने की उम्र से चल रहा था। तो लास्ट ईयर ये हमारे पास आया था, हमने इसका पूरा वर्कअप किया। इसका भाई जो था वो फुल HLA मैच था 10x10, उससे हमने इसका एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट संपूर्ण किया और अब 2.5 महीने हो गए हैं, बच्चा एकदम हेल्दी है। डोनर के सेल्स 98% यानी कि फुल डोनर के सेल्स काम कर रहे हैं उसकी बॉडी में और अब ये धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ की तरफ, इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है बच्चा। फॉलोअप में अभी ये रहेगा 1 साल तक, महीने महीने हम लोग कुछ टेस्ट करते रहते हैं, कुछ दवाइयाँ चलती हैं, उसके बाद 1 साल बाद अगर सब ठीक रहता है तो दवाइयाँ बंद होके ये अपना नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकता है। इसमें कितना खर्चा आया टोटल? इसमें खर्चा आया लगभग 16 लाख का खर्चा आया टोटल। मैम जैसा आपने बताया कि यूपी का ये पहला है, जो इंसिडेंस है, जो हम कहें साइंटिफिक जो लिटरेचर है उसके हिसाब से हर 2000 में एक बच्चा इससे ग्रसित हो सकता है, लेकिन क्योंकि इंडिया में अभी तक बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, इसके टेस्ट सब जगह उपलब्ध नहीं थे, तो डायग्नोसिस रेयरली हो पाती थी। अब धीरे धीरे जैसे कि हमारी साइंस प्रोग्रेस कर रही है तो ये बच्चे डायग्नोज भी हो पाते हैं और इनका ट्रीटमेंट भी हो पाता है। मैम क्या अब बच्चा, हाँ अगर ये बच्चा बिल्कुल ठीक रहता है, साल भर तक फॉलोअप में रहेगा, कोई इसको और ट्रांसप्लांट के कॉम्प्लिकेशंस जैसे क्रॉनिक GVHD जो 3 महीने के बाद शुरू होता है वो सब नहीं होता है, सब ठीक रहता है, तो ये बच्चा अब संभवतः अपनी नॉर्मल जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। पहला ट्रांसप्लांट, तो देखिए डायग्नोसिस ही ये बहुत रेयर है, तो सस्पेक्ट करना सबसे पहले ज़रूरी है। तो कोई भी बच्चा है जिसको बार बार कोई इन्फेक्शंस लग रहे हैं, कभी कभी ऐसे बैक्टीरिया या वायरसेस के इन्फेक्शंस लग रहे हैं जो नॉर्मल बच्चों में नहीं होते हैं, या ऐसी जगहों पे इन्फेक्शन हो रहे हैं जो नॉर्मल बच्चों में नहीं होते हैं, तो सबसे पहले तो हमें सस्पेक्ट करना चाहिए कि ये प्राइमरी इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो सकता है। फिर इसका वर्कअप, भी थोड़ा जटिल है, हर जगह ये टेस्ट उपलब्ध नहीं होते हैं, तो वो टेस्ट 1x1 किए जाते हैं। फिर जैसे प्राइमरी इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर 450 अलग अलग तरह के हो सकते हैं, तो उनमें से कौन सा टाइप है और उसके लिए पर्टिकुलरली क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है वो देखना होता है। तो जैसे ये बच्चा था, 7 साल की उम्र पे डायग्नोज हुआ था, तब से इसको महीने हर महीने IVIG एक तरह से आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज जो दिए जाती हैं वो दिए जा रहे थे, तो 7 साल से 14 साल तक की उम्र तक इसने लिए हैं। उसके बाद भी इसको बीच बीच में इन्फेक्शंस होते थे, हॉस्पिटल एडमिशंस रिक्वायर्ड होते थे, लेकिन अब ट्रांसप्लांट के बाद ये बीमारी जड़ से मिटाई जा सकती है, तो वो होने के बाद अब 1-2 साल बाद ये बच्चा बिल्कुल नॉर्मल रह सकता है, कोई दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आगे लाइफ लॉन्ग इसको इन्फेक्शंस का रिस्क नहीं रहेगा। ठीक। और